morning with the sweet name of Almighty. Hope you will be are fine at home. Let's have it's me, Sana Mumtaz, in your drawing teacher. Hope you will be enjoying in class. ओके गर्ल्स, ये हमारा थ्री का जो है क्लास वीडियो है आपको प्रैक्टिस की. आज हम जो काम करेंगे वो हम बुक में करेंगे. बुक में आपके पास है जो फर्स्ट हमने वर्क किया था वो हमने बुक में किया था डक. आपने प्रीवियस वर्क में डक किया था. ओके, इसके बाद आज जो हम काम करेंगे वो है डॉल्फिन. ओके गर्ल्स, डॉल्फिन को अब हम करेंगे. तो डॉल्फिन में आप साइड में देखें कि आपके साइड पे डॉल्फिन के स्टेप बने हुए हैं. आपने इसी तरह अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपनी रफ कॉपी लेके उसमें से प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस के बाद आपने वही डॉल्फिन आपने अपने बुक में ड्रॉ करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डॉल्फिन को आपने यहाँ से प्रैक्टिस स्टेप बाई स्टेप आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है. इसके बाद आप उसको ड्रॉ एंड कलर करेंगे. ओके, सो अभी फर्स्ट हम पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम इसको बुक में ड्रॉ करेंगे और उसको कलर करेंगे. ओके ओके गर्ल्स, आप जब डॉल्फिन ड्रॉ करें तो उससे पहले आपने क्या करना है कि आपने रफ पेज में उसकी प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस के लिए आप फर्स्ट जब हमारे पास जो बुक में भी थ्री स्टेप बने हुए हैं इसी तरह आपने भी थ्री स्टेप की प्रैक्टिस से आपने डॉल्फिन ड्रॉ करना है. फर्स्ट आप स्टार्ट करें, अपने जितने डॉल्फिन बनाना है उतना आप अपने लिए मेजरमेंट डॉट्स डालें. उस डॉट से दूसरे डॉट तक आपने कर्व शेप का एक लाइन ड्रॉ करना है. ओके, कर्व शेप का आप लाइन ड्रॉ कर दें. अगर आपसे थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाए तो इस होगे क्योंकि फर्स्ट ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस में हम मिस्टेक अगर कर भी है तो आप उसको रेस कर सकते हैं. ओके, फिर आपने जो डॉट डाला है उसके दूसरे साइड में भी आपने राउंड शेप का थोड़ा सा कर्व शेप का लेना है, लेकिन उसको आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ से कर्व करके क्लोज करना है. ओके, ये आपका बन गया डॉल्फिन का फर्स्ट स्टेप. जब हमारा डॉल्फिन का फर्स्ट स्टेप बन गया है, ओके, डॉल्फिन का जो सेकंड स्टेप हमारे पास है वो है उसकी माउथ, जो उसकी बिल्कुल फ्रंट पे हम बनाएंगे. ओके, आपने यहाँ से अपने लिए टू डॉट्स ड्रॉ करने हैं और टू डॉट्स के साथ आपने यू शेप के उसका माउथ ड्रॉ करना है. ओके, आप जिस माउथ को फिनिश करेंगे उसी माउथ के साथ आपने उस डॉट से लेकर यहाँ उसकी टेल तक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दैट. ओके ओके गर्ल्स, हमारे आप देखिए कि आपने फर्स्ट स्टेप अपना डॉल्फिन का बना दिया है. उसके बाद जब उसका माउथ बनाएंगे तो ऊपर से थोड़ा सा कप और नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट बनाने के बाद आपने बिल्कुल उसके टेल तक एक फुल एक लाइन ड्रॉ करनी है. लाइन ड्रॉ करने के बाद आप एक टेल की इस साइड पर और दूसरी साइड पर अपने लिए पॉइंट करें ताकि आपको ईजी रहे. पॉइंट करने के बाद हम उसकी टेल बनाएंगे तो आप थोड़ा सा कर्व शेप इस तरह लाइन लगाएं ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा इसे बिल्कुल सी शेप का लेकिन हाफ सी शेप हम लेंगे तो उस कर्व को हम फिर उसको डिवाइड करेंगे. आपने वन लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है और वन लाइन ड्रॉ यहाँ से करनी है. आपने यहाँ से जॉइन नहीं करना सो आपका डॉल्फिन की जो टेल है वो कम्प्लीट हो जाएगी. इसके बाद आपने डॉल्फिन के हेड से लेकर डॉल्फिन के मिड तक आपने एक यहाँ उसका एक विंग ड्रॉ करना है. सो आपने टू पॉइंट ड्रॉ करके इसको आपने वन कर्व शेप का ड्रॉ करके आप उसको थोड़ा सा राउंड करके उसको फिनिश करके लाइन बनाए. ओके, इसके नीचे ही आपने जो लाइन ड्रॉ किया है उसी लाइन के साथ आपने टू डॉट्स अगेन लगाने हैं ताकि आपको डॉट्स से आपको ईजी रहे. फिर उसके बाद आपने यहाँ नीचे तक एक कर्व शेप लेना है. कर्व शेप को थोड़ा सा राउंड करने के बाद आप उसके साथ दूसरा कर्व शेप लगाएं तो आप उसके टू विंग्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे. ओके गर्ल्स, ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गया. उसका माउथ जो है वो अनकम्प्लीट था. यहाँ तो हमने जो लाइन लगाई है इस लाइन के साथ उसी लाइन के नीचे आपने एक और लाइन भी लगानी है तो डॉल्फिन का जो माउथ है वो कंप्लीट हो गया. उसके बाद आपने इसकी यहाँ एक
आइज बनानी है और उस तरह हमारा डॉल्फिन की जो शेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके गाइस, आपका डॉल्फिन कंप्लीट हो गया। सो आपने इसके फर्स्ट आपने उसका ब्लैक आउटलाइन करना है और फिर उसके बाद उसके कलर्स करने हैं। ओके ओके गाइस, हमारे ब्लैक आउटलाइन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम वो वाला आउटलाइन करेंगे जो हम इसमें कलर्स करेंगे। ओके ओके गर्ल्स, आपके पास हमारे डॉल्फिन के कलर्स आ गए। हमने डॉल्फिन के जो ऊपर टॉप है उसको ब्लू कलर करना है और नीचे जो हमारे पास है वो येलो है। सो आपने अपना रूलर पेन लेना है और रूलर के हेल्प से ही आपने इसमें कलर्स करने हैं। ओके रूलर के बगैर आप कलर मत करें वरना आपके कलर्स बहुत ज़्यादा अनटाइडी आएंगे। ओके ओके गर्ल्स, हमारा डॉल्फिन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आप अपने डॉल्फिन को पहले प्रैक्टिस करें, ड्रॉ करें, फिर उसके बाद उसमें कलर्स करें, कंप्लीट करें और अगेन उसके बाद अपने बुक में ड्रॉ करना है और उसके बाद आपने स्टेप वाइज को देख के आपने अपने डॉल्फिन को कंप्लीट ड्रॉ कलर करना है विद द हेल्प ऑफ कलर्स एंड रूलर। अपने कलर्स को डार्क रखें, बहुत नीट एंड क्लीन रखें और अपने ड्राइंग को बहुत प्यारा बनाएं। इसमें थोड़ा सा जो हमारे पास वाटर रह गया, वाटर हमने इसमें नहीं बनाए, सो हम वाटर बनाएंगे। वाटर बनाने के लिए अपने ब्लू कलर यूज़ करना है। हमने टू लाइंस अपने हेल्प के लिए इसलिए लगाए हैं कि ताकि हमारे जो वेव्स हैं वो हमसे थोड़े से मिस लाइन ना हो। सो आपने थोड़ी सी अपने लिए लाइंस लगानी है, उसमें से आपके वेव ड्रॉ हो जाएंगे और आपकी जो वेव्स हैं वो इनबैलेंस नहीं आएंगे। आपने यहाँ से ड्रॉप स्पीड ड्रॉ करनी है अगर आपने ड्रॉ करनी है उसको और प्यारा बनाने के लिए, लेकिन लाइन आपने बहुत लाइट लगानी है। ओके ओके गर्ल्स, हमारे डॉल्फिन के वाटर लेयर्स या वाटर ड्रॉप भी कंप्लीट हो गया। हमारा डॉल्फिन फुल कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आपने अपने बुक में भी इसी तरह कंप्लीट करना है और बहुत मज़े के कलर्स करने हैं। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।